बिकॉज विवान जहाँ पे नौकरी कर रहा है, विवान को लगता है कि वो उसे अपने दम पे मिली है, लेकिन उसके दोस्त ने पहले पहले उसे नौकरी दी और फिर उससे वो नौकरी छीन ली, क्योंकि रागिनी ने उसे धमकाया था। और विवान बहुत अपसेट होता है उन चीज़ों को लेकर, एंड वो काफ़ी रोया भी था। तो मुझे ये बात हर्ट हो गई, तो मैं जाके मैंने डराया धमकाया और उससे कहा कि मेरे पति को नौकरी दे दो, अगर नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। एंड उसी टाइम पे मैं उसे वो प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर तुम नौकरी दोगे भी तो बस। और मैंने ये विवान से बात छिपाई थी, और विवान अपनी नौकरी को लेकर बहुत खुश है, और उसी में मुझे गिल्ट महसूस होता है कि मैंने अपने पति से झूठ कहा है। तो मैं उनसे जाके सॉरी बोला है और उनसे कहा कि मैं रौनक से मिलने गई थी, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार से बातें करने गई थी जहाँ मैंने रौनक को धमकाया था। तो ये बात फिर भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है, इसलिए मैं टेंशन में भी होती हूँ, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा बोझ थोड़ा सा कम हो जाता है कि चलो विवान को पता है कि रौनक को मैंने कहा था। विवान भरोसा करते हैं ना, सॉरी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज आई टू ट्रैवल बाय कार, बट मैं प्लास्टिक मनी कम यूज़ करती थी व्हेन इट कम्स टू छोटे छोटे खर्चे होते हैं, आप खाते पीते हो कुछ तो, बट देन इट्स फॉर अ बेटरमेंट। तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें देश में बदलाव चाहिए, अगर अब हो रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए बिना कोई टेंशन या गलत चीज़ें बोलें। तो बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट सब मैनेजेबल है।